नमस्कार। ग्रीक दार्शनिक श्रृंखला में आज हम ल्यूसिपस तथा डेमोक्राइट्स के विषय में बात करेंगे, जो कि परमाणुवादी दार्शनिक कहे जाते हैं। एम्फेडोक्लीज और एनेक्सिगोरस ने परमाणुवादी ल्यूसिपस और उनके प्रसिद्ध शिष्य डेमोक्राइट्स के लिए यह क्षेत्र तैयार कर दिया था। ये परमाणुवादी एम्फेडोक्लीज और एनेक्सिगोरस से इस विषय में सहमत थे कि परम तत्व नित्य, अविकारी और उत्पत्ति विनाश से परे है, और उत्पत्ति का अर्थ संयोग तथा विनाश का अर्थ वियोग है। वे एनेक्सिगोरस से इस विषय में सहमत थे कि एम्फेडोक्लीज के चारों महाभूत मौलिक ना होकर मौलिक द्रव्यों के संयोग मात्र है। एम्फेडोक्लीज के बीजों को परमाणुवादियों ने अपने अविभाज्य परमाणुओं में परिणित कर दिया। एम्फेडोक्लीज ने गति के लिए प्रेम और विरोध की कल्पना की, और एनेक्सिगोरस ने परम विज्ञान की शरण ली, किंतु परमाणुवादियों ने गति को परमाणुओं का धर्म बना दिया। ल्यूसिपस और डेमोक्रिट्स के परमाणु मौलिक, अविभाज्य, अतीन्द्रिय, नित्य, उत्पत्ति विनाश रहित जड़ तत्व हैं। गति उनका धर्म है। उनमें केवल संख्या, परिमाण और आकार का भेद है, अन्य गुणों का भेद उसमें नहीं है। वे आकाश में रिक्त हैं तथा एक दूसरे से पृथक हैं। सृष्टि की उत्पत्ति का अर्थ है परस्पर संयोग, और विनाश का अर्थ है बिछुड़ जाना या परस्पर वियोग। आत्मा या विज्ञान कोई अलग तत्व नहीं है, वह भी इन परमाणुओं के विशिष्ट संयोग से उत्पन्न होता है। न्याय वैशेषिक के अनुसार परमाणुओं के गुणगत भेद भी हैं, किंतु जैनों और ग्रीक परमाणुवादियों के अनुसार ऐसा कोई भी गुणगत भेद नहीं है। न्याय वैशेषिक और जैनों के अनुसार आत्मा स्वतंत्र तत्व है और परमाणु संयोग से उत्पन्न नहीं होता है। न्याय वैशेषिक के अनुसार गति का कारण ईश्वर है, जो अदृष्ट की सहायता से परमाणुओं में गति का संचार करता है। जैन गति को कर्म से उत्पन्न हुआ मानते हैं। ग्रीक परमाणुवादियों के अनुसार गति परमाणुओं का अपना ही धर्म है। दार्शनिकों ने मूल तत्व प्राकृत तत्व है इस विवाद को समाप्त कर दिया। एक तरफ जहां उसने पारमेनिडीज और हेराक्लाइटस के मतों का समन्वय करने का प्रयास किया, वहीं जो कि परस्पर विपरीत मत माने जाते थे, परमाणुवादियों ने कहा यह निरंतर परिवर्तन परमाणुओं के संयोग वियोग का ही परिणाम है। यंत्रालय में टाइप पड़ा है, अक्षरों के भिन्न भिन्न संयोग से अनेक लेख छपते हैं। एक प्रयोग के बाद अक्षरों का वियोग होता है और फिर उन्हें नए शब्दों और पदों में जोड़ा जाता है। ठीक इसी तरह
परमाणुओं के भिन्न भिन्न संयोग वियोग से यह जगत का प्रवाह बना रहता है।